एनपीके 1919 का स्प्रे फसल की प्रारंभिक अवस्था पर बढ़वार के लिए किया जाता है और इसके साथ में चिलिटेड जिंक को मिलाकर स्प्रे करने से फसल पर चमत्कार परिणाम देखने को मिलते हैं। एनपीके 1919 के द्वारा खड़ी फसल में पत्तियों के द्वारा पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीके 1919 के बारे में। संपूर्ण डिटेल में जानकारी देंगे कि फसल में एनपीके 1919 का कब स्प्रे करना चाहिए और इसका स्प्रे करते समय कौन सी वो गलती है जो अधिकतर किसान भाई करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली व इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान साथियों, एनपीके 1919 पानी में घुलनशील खाद है और 50% से अधिक किसान भाई इस खाद का प्रयोग करते हैं और इस खाद के बारे में उन्हें पता है कि यह कैसे काम करता है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि किसान भाई अगर इसका प्रयोग करते हैं तो कुछ जो बातें हैं उनको ध्यान रखें, साथ ही इसका प्रयोग करने का सही समय, सही तरीका किसान भाइयों को पता होना चाहिए। एनपीके 1919 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 1919 के अनुपात में पाए जाते हैं। पाउडर फॉर्म में यह खाद आता है, 100% पानी में घुलनशील होता है जिस कारण इसका स्प्रे के रूप में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इसका स्प्रे कब करना चाहिए। तो जब पौधे में कल्ले निकलना स्टार्ट हो रहे हैं उस अवस्था में इस खाद का प्रयोग किया जाता है। बुआई से लेकर 25 से 30 दिन या 35 दिन के बीच में, यानी 25 से 30 दिन की फसल पर इसका प्रयोग किया जाता है। जब गेहूँ के कल्ले निकलना प्रारंभ होते हैं या पौधे की बढ़वा का शुरू होती है उसी समय पर इसका प्रयोग करें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक एकड़ में 1 kg एनपीके 1919 का 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। जब स्प्रे करें तो खेत में अच्छी नमी होनी चाहिए। किसान भाइयों, कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि गेहूं की बुआई के बाद पहला पानी लगाते हैं, उसके बाद आप खरपतवार नाशक देते हैं, तो जिससे होता क्या है कि जो गेहूं का पौधा होता है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, पौधा पीला पड़ जाता है। तो उस समय आप एनपीके 1919 का स्प्रे कर सकते हैं जिससे पत्तियों पर ये स्प्रे के माध्यम से काफ़ी अच्छा काम करता है, पौधे से पीलेपन को दूर करता है। जो खरपतवार नाशक से पौधे को झटका लगा है उस झटके से उबरने का काम करता है, पौधे की रुकी हुई ग्रोथ को बढ़ाता है, पीलेपन को दूर करता है और कल्लों को बढ़ाने का काम करता है। अगर आप भी गेहूं की खेती करते हैं और गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप गेहूं की फसल में एनपीके 1919 का स्प्रे कर सकते हैं। इसमें मौजूद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास पौधे से पीलेपन को दूर करते हैं, जड़ों का विकास अच्छे से करते हैं, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं और कल्लों की संख्या को बढ़ाने का काम करते हैं। इसका प्रयोग करने से अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आप भी गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो इस खाद का प्रयोग कर सकते हैं, काफ़ी सस्ता है, रिजल्ट बेहतर है। तो इससे कम से कम खर्चे में किसान भाई गेहूं की फसल से बढ़िया शानदार उत्पादन ले सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अन्य किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।